पहले तो एक बात अपने दिमाग में आप लोग फिक्स कर लो कि एक दिन सबको मरना है। कोई भी इस दुनिया में परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है। तो मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास जायदाद नहीं है, इस बात को लेकर अगर कोई नर्वस है, कोई डिप्रेस है तो गलत है, क्योंकि यहाँ से कोई कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। जो भी प्रॉपर्टी, जो भी आपकी यहाँ पर आप कमाएंगे, वो आप यहीं पर छोड़कर जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि प्रेजेंट में हमें जीना आना चाहिए, और अगर हम प्रेजेंट में जीते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का हल इसमें ही निकल आता है। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है या फिर उसने प्रॉब्लम को फेस नहीं किया हो। प्रॉब्लम फ्री ऐसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। सबके पास अपने अपने लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने अपने लेवल की समस्याएं होती है, लेकिन उससे ओवरकम कैसे करना है, उससे बाहर कैसे पढ़ते हो आप, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। तो मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा ओन एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, कभी कभी आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में ये बातें अक्सर होती है कि जैसे हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जब जाहिर सी बात है, जब हम जैसा सोचते वैसा नहीं होता है तो हम नाराज हो जाते हैं, हमें डिप्रेशन आने लगता है कि यार हमारा, हमने जो सोचा था वो हुआ नहीं तो अब क्या होगा। तो देखिए, इस बात को लेकर इतना नर्वस होने की या फिर इतना डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी समस्या हो, वो इतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि हम उसे इमेजिन कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी समस्या हमारे सामने आती है, तो हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और इतना हद से ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं कि वो समस्या उतनी होती नहीं है, लेकिन हमारे सोचने की वजह से, हमारे ज्यादा सोचने की वजह से वो समस्या हमें बड़ी पहाड़ जैसे दिखने लगती है। आजकल अक्सर हम न्यूज और मीडिया में देखते हैं कि किसी फलाने फलाने आदमी ने डिप्रेशन में आकर अपनी जान दे दी, अपनी खुदकुशी कर ली, या फिर किसी फलाने फलाने आदमी ने डिप्रेशन में आकर अपने फैमिली के साथ खुदकुशी कर ली। तो ये क्या बात हो गई? हाँ, देखिए, डर, डिप्रेशन यानी डर, नैराश्य, ये तो सबको आता है, ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है। डिप्रेशन इज जस्ट पार्ट ऑफ इमोशन, इससे बढ़कर वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहावत है कि डर के आगे जीत है, तो डरना नहीं है आपको, डटकर खड़े हो जाइए, मुकाबला कीजिए। देखिए, चुटकी के साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, जब भी आपको ऐसा कभी लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप डिप्रेस फील कर रहे हो, कहीं आपका मन नहीं लग रहा है, आप नाराज हो, तो आपका जो रूटीन लाइफ है उसे थोड़ा चेंज कीजिए। आप क्या कीजिए, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठना शुरू कीजिए। 5 बजे उठिए, 1-2 किलोमीटर की लंबी दौड़ लगाइए, उसके बाद थोड़ा सा हल्का एक्सरसाइज कीजिए। तो देखिए, आपके माइंड में जो वो निगेटिव थॉट्स है ना, वो जो निगेटिव थॉट्स के ऊपर जो आपने कॉन्सेंट्रेशन किया है, वो कॉन्सेंट्रेशन आपका धीरे 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 कम होने लगेगा, और उसकी जगह आपके पॉजिटिव थॉट्स उसकी जगह लेने लगेंगे। ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है। उठने का एक अलग ही मजा है, एक अलग ही खुशी है। पता नहीं उस मॉर्निंग के एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या जादू है कि आप सब कुछ भूल जाते हो। नई नई सोच आपके दिमाग में आने लगती है, पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने लगते हैं, और ये जादू है मॉर्निंग के टाइम में, मॉर्निंग के उस वक्त में, उस एटमॉस्फेयर में, 5 बजे से लेकर 6-7 बजे तक के उस वक्त में, उस दौर में वो जादू है कि वो आपके निगेटिव थॉट्स को कम करता है और पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाता है। ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है। देखिए, जब भी मुझे डिप्रेस फील होता है, मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या फिर गणपति जी का जो मंत्र है वो मैं बोलता हूँ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और मैं निरंतर ऐसा सुबह उठकर मैं जब मैं दौड़ता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, तो इसको मैं बोलता रहता हूँ जोर जोर से, जोर जोर से। तो इससे होता क्या है कि हमारे जो अंदर जो निगेटिव थॉट्स है, जो निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आई है, वो धीरे 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 कम होने लगती है। भगवान के इस गायत्री मंत्र में और इस गणपति मंत्र में ये पावर है, ये ताकत है। मेरा अपना खुद का ओन एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्ट्रगल के दौरान मुंबई में कई बार ऐसा हुआ कि जेब के पैसे खत्म हो गए और खाने के देने पड़ गए, यानी लेने के देने पड़ गए। खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, नाश्ते के लिए पैसे नहीं होते थे, पर मैं हमेशा अपने आप से यही कहता था कि दीपक, जो भी होगा अच्छा ही होगा, और जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो ये मेरी पहले से सोच है, ऐसा ही मैं सोचता हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, जेब में 1 रुपया ना होने के बावजूद भी मैं मुंबई में कभी भूखा नहीं सोया। सब कुछ सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे सोचते हो उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। वो होता क्या है ना कि आप जैसे सोचते हो वैसा ही होता है, कि आपके विचार जैसे है वैसा ही होता है, जैसे आप सोचते हो वैसा ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, तो अच्छा ही होगा। देखिए, निगेटिव थॉट सबके दिमाग में आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसको एक लिमिट तक रखना है आपको। उस लिमिट के ऊपर आपको नहीं ले जाना है उस निगेटिव थॉट्स को, तो क्या है कि ये डिप्रेशन वाली, ये जो डिप्रेशन वाली ये जो फेज है, ये आपके लाइफ में कभी नहीं आएगी। आएगी पर थोड़ा सा आएगा,
कभी भी है ना, ये आपके जो पॉजिटिव विचार है ना, ये पॉजिटिव थॉट्स है ना, ये कभी भी हावी होने चाहिए इन निगेटिव थॉट्स के ऊपर, तो कभी भी आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है। आज का वीडियो बनाने के पीछे ये रीजन यही कि आज सुबह से मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा था। होता है कभी कभी जब हमारे मन के जैसा नहीं होता है तो हमारा मन नहीं लगता है और डिप्रेस फील करने लगते हैं, किसी बात में मन नहीं लगता है। तो मैंने कहा यार चलो आज खेत में जाते हैं, खेत में जाके आराम से बैठेंगे और एक वीडियो बनाएंगे अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, और एक बढ़िया सा वीडियो बना के यूट्यूब पर डालेंगे कि ऐसा होता है, मुझे भी होता है, सबको होता है। कोई ये कि बॉलीवुड की मशहूर फिल्म ऑल द बेस्ट का ये डायलॉग है कि ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, यानी जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप अपने आप से हमेशा निरंतर कहते रहिए, दिन भर में 50-100 बार आप कहिए कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। देखिए होता क्या ना, जो हम सोचते वैसे ही होता है, तो सोचिए अच्छा होगा भी अच्छा। सबसे पहले तो एक बात अपने दिमाग में आप लोग फिक्स कर लो कि एक दिन सबको मरना है, कोई भी इस दुनिया में परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है। तो मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास जायदाद नहीं है, इस बात को लेकर अगर कोई नर्वस है, कोई डिप्रेस है, तो गलत है, क्योंकि यहाँ से कोई कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। जो भी प्रॉपर्टी, जो भी आपकी यहाँ पर आप कमाएंगे, वो आप यहीं पर छोड़कर जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि प्रेजेंट में हमें जीना आना चाहिए, और अगर हम प्रेजेंट में जीते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का हल इसमें ही निकल आता है। देखिए कितनी खूबसूरत शाम है मेरे टाउन की, और मैं हमेशा ऐसे मोमेंट जीने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ढलने की कगार पर कुछ ही मिनटों में सूर्यास्त हो जाएगा, तो ऐसे ही खूबसूरत मोमेंट में जीने की कोशिश करता हूँ। ऐसे छोटे छोटे जो पल होते, और मुझे लगता है इन्हीं छोटे छोटे पलों में हमें खुशियां ढूंढ लेनी चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द है। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, देखिए बिल्कुल आप मेरे सर के पीछे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कैप्चर करने की जो सनसेट हो रहा है। देखिए क्या नजारा दिख रहा है सूर्यास्त का। तो आज की वीडियो में मैंने यही कोशिश की है कि डिप्रेशन के जो मोमेंट आते हैं उस मोमेंट को मैं कैसे हैंडल करता हूँ, और इसी मोमेंट को मैंने शेयर करने की कोशिश की आपके साथ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।